आखिरकार वही हुआ जिसकी चर्चा इतने दिनों से चल रही थी। जदयू पार्टी में आखिरकार फेरबदल हो ही गया। ललन सिंह ने जदयू पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं अब ललन सिंह की जगह खुद बिहार के सीएम नीतीश कुमार पार्टी की कमान संभालेंगे। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है। नीतीश कुमार ने ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर कहा कि ललन बहुत दिनों से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। फिलहाल वो चुनाव में बिजी होने वाले हैं, इसलिए वो अध्यक्ष पद पर ध्यान नहीं दे पाते। यही कारण है कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अब जदयू के नए अध्यक्ष होंगे, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। खुद ललन सिंह ने नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा था। इस बैठक को लेकर दिल्ली पहुंचे जदयू नेताओं का कहना है कि पार्टी ने जो भी फैसला लिया है, उस फैसले में हम उनके साथ हैं। साथ ही पार्टी में जदयू कार्यकर्ताओं ने जोश में नारा लगाया, जहां कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार और ललन सिंह में कोई अंतर नहीं है। वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्ष पद के साथ ही तीन और फैसलों पर मुहर लगाई गई है। बात करें नीतीश कुमार की, तो वो 2003 से अब तक जनता दल यूनाइटेड के 5वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में होंगे। शरद यादव 2016 तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, उसके बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार के बाद इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। फिर ललन सिंह को आरसीपी सिंह के जगह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। अब फिर दूसरी बार नीतीश कुमार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले का आखिर असर क्या देखने को मिलने वाला है। क्या जदयू को 2024 में इसका कोई फायदा मिलने वाला है भी या नहीं।